रामधन भाई बताइए, यहाँ पर हम लोग चलते कितना ज्यादा मजा आ रहा है बताइए आप। तो देखिए अभी हम लोग मैप में देख रहे हैं वाटरफॉल मोमेंट जो आप लोग देख सकते हैं, काफी ज्यादा बेस्ट लग रहा है। और काफी हम लोग दूर से देखे थे उसी को अब नजदीक से देख रहे हैं। यहाँ पर लोग फोटो भी खिंचा रहे हैं, साथ में लोग नहा भी रहे हैं कि किस तरह से बर्फ जमी हुई है ये देखिए, जिसकी वजह से ये भोलेनाथ जी का जो मंदिर है वो बचा रहा है। फाइनली हम लोग केदारनाथ पहुंच चुके हैं। ये देखिए केदारनाथ का जो केदारनाथ मंदिर, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि वो अभी सावन का पवित्र महीना आने वाला है, जिसकी वजह से हम लोग जा रहे हैं केदारनाथ भोलेनाथ जी के दर्शन करने। और अभी हम लोग बैठे हुए हैं बिलासपुर के रेलवे स्टेशन में, जहाँ पर बहुत सारे लोग अभी ट्रेन का वेट कर रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं बहुत सारे लोग ट्रेन का वेट कर रहे हैं, जहाँ पर हम लोग एक छोटा सा बच्चा भी मिला हुआ है और इसके साथ भी हम ब्लॉग बना रहे हैं, साथ में एक बड़े भैया भी मिले हुए हैं देखिए। और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है केदारनाथ में, जो भी हम लोग दर्शन करेंगे आप लोग भी ब्लॉग के जरिए दर्शन कराया जाएगा। और हमारा ट्रेन एक्चुअली भी थोड़ा सा लेट था, जो 6 बजे आने वाला है, अभी का डेट पे वो 2 बजे था बट 6 बजे आने वाला है। तो हम लोग थोड़ा सा ब्लॉग बना कर आप लोग का मनोरंजन कर देते हैं, जिसकी वजह से ये ब्लॉग हम लोग बना रहे हैं। चलिए तो केदारनाथ में जो भी दर्शन कराए जाएंगे उसमें हम लोग आपको इस ब्लॉग्स के द्वारा दर्शन कराएंगे, इसमें बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है। चलिए तो फिर मिलते हैं। ये मेरा भाई रामनारायण जायसवाल है, मैं हूँ सूरज कुमार आदित्य जो ब्लॉग मैं बना रहा हूँ, और साथ में छोटा बच्चा, और ये है हमारे बड़े भैया। गाइज फाइनली हम लोग हरिद्वार पहुंच चुके हैं, अभी लगभग 3 बज रहा है और हम लोग इसी ट्रेन में आए हैं जिस ट्रेन में लिखा हुआ है ये पुरी से आ रही है और ऋषिकेश तक जाएगी। हम लोग पहुंच चुके हैं हरिद्वार केदारनाथ जाने के लिए जो स्टेशन है, और हरिद्वार में देखिए हम लोग किस तरीके से दिख रही है मैं और ये रामनारायण भाई, बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है और थोड़ा सा अजीब भी लग रहा है। चलिए तो फिर ब्लॉग में आगे बढ़ते हैं और फिर आपको आगे की जानकारी देते हैं, हम लोग जाएंगे कि कहाँ से हम लोग को बस मिलेगी, कैसे कैसे बस मिलेगा, उसके लिए हम लोग जा करके देख रहे हैं ठीक है। और आप लोगों को फिर आगे जानकारी देंगे कि बस कैसे मिलेगी और कैसे कैसे आपको आगे बढ़ना है। इस ये हैं बड़े भैया जो हमको ट्रेन में मिले थे। ट्रेन में क्या है, काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी तो स्लीपर कोच में भी जगह नहीं मिल पा रहा था। हम लोगों ने ट्रेन टिकट बुक किया था बट वो वेटिंग लिस्ट में फंस गया था, तो हम लोग ने 1700 रुपये चार्ज भी दिया टीटी को, फिर भी ट्रेन में बैठने के लिए जगह नहीं मिल पा रहा था। लेकिन ये बड़े भैया का कुछ एक्स्ट्रा सीट बचा हुआ था, इनके कुछ रिलेशन में नहीं आए थे जिनके लिए टिकट बुक किए थे, तो इन्होंने अपना सीट हम लोग को दिया था। इनसे मिलकर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा और बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग आए। और ये है हरिद्वार के बाहर के रेलवे स्टेशन का नज़ारा, जो लगभग 4:30 बज रहा है, और यहाँ भोलेनाथ जी की मूर्ति भी आपको देखने को मिल जाएगी जो काफ़ी बड़ी और आकर्षक लगती है, जो देखने में काफ़ी शानदार है। और यहाँ पर हम लोग अब बस में बैठ चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा बारिश होने के बाद में भीग चुके हैं हम लोग, लगभग 5:30 बज रहा है गाइस, और बस अब निकलने वाली है, ये निकल चुकी है बस। और यहाँ पर काफ़ी अद्भुत नज़ारा पहाड़ों का आपको देखने को मिल रहा है। जब भी आप हरिद्वार से केदारनाथ जाएं तो हमेशा राइट साइड वाली सीट लें, क्योंकि यहाँ पर राइट साइड वाली सीट जब आप लेते हैं तो राइट साइड में आपको जितने भी घाटी हैं उसके सुंदर और अद्भुत नज़ारे आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ पर सारे बस रुके हुए हैं क्योंकि यहाँ पर खाने के लिए होटल्स वगैरह हैं, तो इस होटल में रुक करके आप बहुत सारे कुछ भी खा सकते हैं, जो भी भोजन आपको करना है। और जो भी बस है यहाँ पर रुकती है क्योंकि आगे चल करके ज़्यादा जगह नहीं रुक पाती, तो ये जो है रेस्टोरेंट आपको देखने को मिल जाएगा, होटल्स हैं, यहाँ आपको सारे खाने की चीज़ें आपको मिल जाएंगी, जो भी आपका मन हो आप खा सकते हैं, थोड़ी सी महंगी होती है गाइस। आज हम लोग का दूसरा दिन है, जहाँ पर हम लोग यहाँ पाटा में रुके हुए थे, ये देखिए इसी जगह में हम लोग रुके हुए थे जो आप लोग को जगह दिख रहा है। अब यहाँ से हम लोग जाएंगे गौरीकुंड, गौरीकुंड से फिर पैदल चलकर 22 किलोमीटर केदारनाथ जाएंगे। यहाँ पर बहुत सारे लोग उतरे हुए हैं और हम लोग भी यहाँ पर उतर गए सीतापुर में। अब देखते हैं कि यहाँ से कितना दूर हम लोग को चलना पड़ेगा, कन्फर्म नहीं सीतापुर से, तो आपको रास्ते में बताएंगे पहुँचने के बाद कितना दूर यहाँ पर पड़ रहा है। तो हम लोग साथ में सामान लेकर के चल रहे हैं। चलिए अब आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं केदारनाथ यात्रा की ओर, फिर आपको आगे ब्लॉग में और हम लोग जानकारी देंगे। तो भाई यहाँ पर देखिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है और आप लोग यहाँ पर स्कैनिंग जो आप लोग का दिया हुआ कोड उसके जरिए आप लोग स्कैन करा सकते हैं। आप बैक कैमरे से भी आपको देखिएगा इस कैसे रजिस्ट्रेशन को स्कैन यहाँ पर किया जा रहा है, ऐसे आप लोग को भी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा ऑनलाइन। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराएंगे, यहाँ मशीन लगा हुआ है जहाँ पे आप लोग का ये स्कैनिंग होगा, उसके बाद फिर आप लोग आगे की ओर बढ़ सकते हैं। यहाँ स्कैनिंग कराए बिना आगे की ओर आप लोग नहीं बढ़ सकते गाइस, ये आप लोग देख सकते हैं। तो देखिए गाइस हम लोग पुल में चलकर जा रहे हैं, ये सोनप्रयाग का पुल है और यहाँ पर बहुत सारे यात्री यात्रा कर रहे हैं, और ये यहाँ से नदी बह रही है, देखिए कितना मस्त लग रहा है। और ये है रामनारायण भाई देखिए। तो गाइस देखिए गौरीकुंड जाने के लिए बहुत सारी टैक्सियाँ यहाँ पर लगी हुई है, जिसमें आपको 50 रुपये ही देना पड़ता है, और कहते हैं यहाँ से वो 4-5 किलोमीटर है, लेकिन हम लोग सोच रहे हैं कि पैदल ही जाया जाए, तो यहाँ से हम लोग पैदल यात्रा कर रहे हैं ठीक है। देखिए बहुत सारी गाड़ियाँ मिल जाएंगी आपको यहाँ, अगर आप लोग जाना चाहते हैं तो 50 रुपये लगता है मात्र,
राम नारायण भाई बताइए यहाँ पर हम लोग चलते हुए कितना ज्यादा मजे आ रहे हैं बताइए आप। तो देखिए अभी हम लोग मैप में देख रहे हैं, तो मैप में बता रहा था कि 1 किलोमीटर है और हम लोग अभी आ चुके हैं 5 किलोमीटर से भी ज्यादा आ चुके हैं, फिर भी अभी तक हमें गौरीकुंड नहीं दिखा है। तो आप मैप के चक्कर में ना रहिए, कृपया वहाँ से जीप पकड़ कर आ जाइए, जो भी अगर वाहन मिलता है वहाँ से 50 रुपए लेंगे यहाँ से वहाँ तक का। तो कृपया आप जीप गाड़ी पकड़ कर ही आइए वाहन में, क्योंकि यहाँ तक चलते चलते देखिए हमारा हाल क्या हो गया है। तो आप लोग गाड़ी ही करा कर आइए यहाँ, लेकिन मजा भी बहुत आ रहा है कि नहीं, लेकिन थक भी चुके हैं पूरी तरह से। तो चलिए चलते हैं गौरीकुंड। यहाँ पर हमारे पास पानी बॉटल है, पानी खत्म हो चुका है, तो हम लोग पहाड़ों से निकला हुआ नेचुरल वाटर यहाँ पर भर रहे हैं। आप भी भर सकते हैं, अगर आपके पास ज्यादा पैसे नहीं है तो ज्यादा बॉटल ना ले, क्योंकि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे तो यहाँ पर पानी की कीमत बढ़ती जाएगा। जो 20 रुपए का बॉटल है वो 40, 60, 80 और आगे बढ़ेंगे तो 100 रुपए, इस तरीके से काफी ज्यादा रेट में पानी का बॉटल मिलेगा। तो आप पानी का बॉटल सिंगल या डबल रख सकते हैं, और साथ में कई जगह यहाँ पर आपको वाटरफॉल देखने को मिल जाएंगे और ऐसे ऐसे जगह मिल जाएंगे जहाँ आपको नेचुरल वाटर मिल जाएगा। ज़्यादा दूर नहीं, 100-150 मीटर के आसपास में ही आपको ऐसे वाटरफॉल देखने को मिल जाए जहाँ से आप पानी भर सकते हैं। और ये हम लोग गौरीकुंड पहुँच चुके हैं 5 किलोमीटर चलकर, यहाँ पर सभी गाड़ियाँ फिर से वापस जा रही हैं और बहुत सारी गाड़ी यहाँ पर खड़ी है सवारी भरने के लिए। रामनारायण भाई भी यहाँ देखने को मिल जाएंगे आपको जो आगे चल रहे हैं। और ये गौरीकुंड है, गौरीकुंड में देखिए किस तरीके से लोगों को ले जाया जा रहा है। यही गौरीकुंड है जहाँ पर माता पार्वती नहाया करती थी कहते हैं, और यहाँ पर हम लोग भी जा रहे हैं नहाने के लिए। गाइस देखिए हम लोग गौरीकुंड में नहा चुके हैं, और ये गौरीकुंड का जो पानी होता है ये बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है। शुरू में आप लोग नहा नहीं पाएंगे, सबसे शुरू में उतरेंगे गौरीकुंड में तो, और काफ़ी सारे लोग जो है यहाँ पे नहा रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा मज़ा भी आया। और कहते हैं यहाँ पर स्नान करने के बाद जब आप यात्रा करते हैं तो आपका जो यात्रा है बहुत ही अच्छा होता है, और यात्रा में आपको कोई भी ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। स्वयं भोलेनाथ जी आपकी रक्षा करते हैं यात्रा करने के लिए। और यहाँ जो गौरीकुंड है इसमें माता पार्वती नहाया करती थी, ये उन्हीं का कुंड है। चले तो गाइस ब्लॉग में आगे बढ़ते हैं केदारनाथ की ओर। तो देखिए गाइस मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और इधर साइड से केदारनाथ जाते हैं, ठीक है। वहाँ पर बोर्ड भी लगा हुआ है, आप लोग नज़दीक जाकर बताऊंगा अभी कौन कितना किलोमीटर है, उसके बाद फिर हम लोग अपने यात्रा की ओर आगे बढ़े। देखिए हम लोग निकल चुके हैं केदारनाथ यात्रा की ओर, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा मज़ा भी आ रहा है। तो जैसे जैसे जहाँ जहाँ पर हम लोग पहुँचेंगे वहाँ पर आपको बताते चलेंगे कि हम लोग कहाँ कहाँ जा रहे हैं और कहाँ नहीं जा रहे हैं, ठीक है। जैसे जैसे आप लोग आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे सारी चीज़ों की कीमत बढ़ते जाएंगी। जैसे जो 20 रुपए का बॉटल है वो 40 रुपए मिलेगा, और जैसे और ऊपर जाएंगे 40 का है वो 60, 80, 100 ऐसे टाइप से भी आपका रेट बढ़ा हुआ मिल जाएगा। तो नीचे ही जो भी लेना है आप ले सकते हैं अभी हम लोग जंगल चट्टी गणेश चट्टी भी नहीं पहुँचे हैं, और यहाँ पर थोड़ा सा आराम करना पड़ रहा है। यहाँ से केदारनाथ लगभग 14.50 मतलब 14.5 किलोमीटर है वो मिट सा गया है, और ये जंगल चट्टी 2.5 किलोमीटर है और गणेश चट्टी। तो यहाँ पर हम लोग कहाँ पर रुकेंगे देखते हैं, यहाँ थक जाएंगे जंगल चट्टी में रुकेंगे क्या, फिर जब आगे जाएंगे तो फिर आगे की जानकारी आप लोग को हमारे ब्लॉग के द्वारा दी जाएगी। देखिए यहाँ पर ऐसे घोड़े में बैठा कर भी ले जाया जाता है, घोड़े खच्चर में, देखिए कितने सारे लोग ले जा रहे हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पर घोड़े खच्चर में चढ़ करके जा रहे हैं गाइस। तो आप लोग भी चाहें तो जा सकते हैं, लेकिन ना जाए पैदल चल कर जाए। देखिए जो चीज़ें हम लोग कल दूर से देख रहे थे आज वो कुछ नज़दीक से देखने को मिला, क्योंकि केदारनाथ की ओर हैं हम लोग, और शायद ये गणेश चट्टी जगह है वहाँ पर हम लोग रुके हुए हैं, और बहुत सारे यात्री यहाँ पर रुके हुए। देखिए यहाँ नींबू पानी भी मिल रहा है और बहुत सारे यात्री जा रहे हैं, यहाँ से कुछ यात्री आ भी रहे हैं, और ये राम नारायण भाई हमारे थोड़े से थक चुके हैं और थक तो मैं भी चुका हूँ। सो यहाँ पर कहीं बैठने का भी जगह नहीं है, काफ़ी ज़्यादा धूप हो रही है, और यहाँ पर देखिए पहाड़ों से पानी भी आ रहा है, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है ना। और जो लोग जा नहीं सकते देखिए उनको ऐसे ले जाते हैं, आपको दिख रहा होगा चार कंधे पे या फिर खच्चर पे, इस तरीके से उनको ले जाया जाता है, ठीक है गाइस। चलिए अब हम लोग अपने ब्लॉग में आगे बढ़ते हैं और फिर आपको हम लोग मिलते हैं आगे। और देखिए हेलीकॉप्टर में भी जाते हैं, हेलीकॉप्टर आपको शायद नज़र नहीं आ रहा होगा, आवाज़ तो आ रहा है नज़र नहीं आ रहा होगा, वो छोटा सा आप लोगों को दिख रहा होगा। देखिए देखिए अब जो है केदारनाथ 13.5 किलोमीटर यहाँ से बता रहा है, जंगल चट्टी बता रहा है 1.5 किलोमीटर, और भैरव बाबा का जो मंदिर है लगभग 0.5 किलोमीटर के आसपास बता रहा है। और ये हमारे राम नारायण भाई बैठे हुए हैं बहुत ही मस्त तरीके से डंडा पकड़ करके। तो बताइए राम नारायण भाई यहाँ तक आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, और आगे जाने में कैसे कैसे मजा आने वाला है बताइए। रामनारायण भाई आप यात्रियों को डीमोटिवेट कर रहे हैं, कृपया करके उन्हें मोटिवेट करने की कोशिश करें ताकि वो महादेव के वो भी दर्शन कर सकें। कभी भी आएंगे आप तो यहाँ ज़्यादा बोझ लेकर ना आए, अपना सामान भी रखना।
कम हो सके लेकर आइए, क्योंकि ज़्यादा सामान लेकर आओगे तो यहाँ चलना मुश्किल है, इसलिए थोड़ा इतना कम से कम हो सके सामान लेकर आने की कोशिश करिए। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो वहाँ दिख रहे हैं बार बार का जो हिमालय पर्वत, आगे और चलिए अब हम फिर से चलते हैं आगे की ओर। चलिए गाइस, तो हम लोग बढ़ते हैं आगे और यहाँ पर जितने भी यात्री हैं आपको देखते मिल जाएंगे, रेस्ट करते मिल जाएंगे और साथ में हम लोग भी अब चलते हुए नजर आ रहे हैं आपको। ठीक है, तो आपको यहाँ जगह जगह पर लगभग 500 मीटर कहीं 200 मीटर इस तरीके से आपको जगह जगह पर सुलभ शौचालय भी मिल जाएंगे, है ना। तो इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत लेने की बात नहीं, अगर आप लोग आते हैं तो सुलभ शौचालय का भी कोई ज़्यादा दिक्कत आपको नहीं होने वाला। और खाने पीने की भी व्यवस्था बीच बीच में आपको कुरकुरे चिप्स कुछ कुछ ऐसे मिलते जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं कि आगे क्या है। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ पानी बॉटल्स है, जूस है, सो यहाँ पर आप लोग ये सब चीज़ें मिल जाएंगी और यहाँ पर भी आप लोग को मिल जाएगी। देखिए जगह जगह पर है हर चीज़, तो कोई यार टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। हाँ, बस बात यह है कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे चीज़ों के दाम महंगे होते जाएंगे। या तो आपका एक्सपीरियंस कैसे रहा अभी तक नीचे से ऊपर तक का बताइए आप। अच्छा, ऊपर से आए हैं तो अपना एक्सपीरियंस आप बताइए कि क्या क्या करना है क्या नहीं करना है। नीचे से ऊपर आप आ चुके हैं तो नीचे से ऊपर घोड़े से गए। हाँ, घोड़े से आप गए थे और अच्छा, आपको जैसे ऊपर से अभी नीचे कितने टाइम आप निकले थे? सुबह 7:30 बजे निकले थे और अभी लगभग बज रहा है 12, मतलब काफ़ी ज़्यादा मेहनत है। जैसे सोचते हैं वैसा रहता नहीं है गाइस, है ना। आने का कोई दिक्कत आने कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है बोल रहे हैं। हाँ नहीं, लेने ओके ओके टोटल रास्ते में दो चाय पी। ठीक ठीक ओके ओके, अगर आप रुक कर रेस्ट करोगे तो ओके। ठीक है, थैंक यू सो मच बड़े भैया हमारे यात्रियों को बताने के लिए। और यहाँ पर से आप लोग देख सकते हैं कि और नज़दीक हम लोग आ चुके हैं हिमालय पर्वत की ओर, जहाँ पर देखने के लिए बहुत ही अच्छा नज़ारा आपको अद्भुत नज़ारा देखने को मिल रहा है। चलिए तो अपने ब्लॉग में हम लोग आगे बढ़ते हैं और बड़े भैया का बोलना था कि जितना ज़्यादा हो सके आप चल सकते हैं और यहाँ पर बड़े भैया जो है कुछ पानी शरबत मिला है वो पी रहे हैं। हाँ, क्या चीज़ है बड़े भैया? ये नींबू पानी है। एक मिनट देखिए गाइस, इस प्रकार से नींबू पानी यहाँ पर आप लोग को बना कर देते हैं। इसका प्राइस क्या रहेगा बड़े भैया? 30 रुपये आपको प्राइस मिलेगा, एक गिलास आपको मिलेगा जिसमें अच्छे से आपको बना करके देंगे। ठीक है, और कुछ बताइए बड़े भैया इसके बारे में जानकारी आप। ओके ठीक है, जलजीरा नमक और चीनी वगैरह डाल करके यहाँ पर आपको मिलता है जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा एनर्जी मिल सकती है गाइस। तो आप लोग चाहे तो यहाँ पर 30 रुपीज़ लगा करके ये पानी आप लोग पी सकते हैं। चलिए तो हम लोग अपने यात्रा में आगे की ओर बढ़ते हैं। जैसे ही आप लोग केदारनाथ रास्ते में जाएंगे तो यहाँ पर आपको भैरव बाबा जी का मंदिर देखने को मिल जाएगा जिसके आप दर्शन करके आगे बढ़ सकते हैं। भैरव बाबा के दर्शन और आशीर्वाद से आप आगे बढ़ेंगे तो आपको परेशानी भी ज़्यादा नहीं होगी और काफ़ी ज़्यादा आपको यात्रा में मज़ा भी आने वाला है गाइस। चलिए तो यहाँ पर हम लोग भैरव बाबा का दर्शन कर लिए, आप भी दर्शन कर लीजिए, देखिए ब्लॉग के जरिए हमारे और फिर अपने यात्रा में आगे बढ़ते हैं। केदारनाथ में चढ़ते हुए क्या बेस्ट वाटरफॉल है, वेरी ब्यूटीफुल वाटरफॉल मोमेंट जो आप लोग देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा बेस्ट लग रहा है और काफ़ी ज़्यादा जनसंख्या में यहाँ पर लोग फोटो खिंचा रहे हैं, अपनी वीडियोस बना रहे हैं। तो आप लोग भी देख सकते हैं काफी सारे लोग यहाँ पर आ रहे हैं और ये देखिए। चलिए तो यहाँ पर से अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पर फोटो भी खिंचा रहे हैं, हम लोग भी हो सकता है एक दो फोटो ले और फिर चलते हैं। अभी सिर्फ 3 किलोमीटर आए हुए हैं, देखिए गौरीकुंड यहाँ से 3 किलोमीटर है और काफी ज्यादा थक चुके हैं 3 किलोमीटर में ही और अभी हम लोग को जाना है काफी ज्यादा आगे, लगभग वहाँ पर लिखा था 13 किलोमीटर के आसपास, तो 3 किलोमीटर ये भी चले, 13 किलोमीटर चलने में क्या मस्त मज़े आने वाले। देखिए बहुत सारे इंसान यहाँ पे रुके हुए हैं, ठीक है ना। पर घोड़े को चोट लग गया है गाइज, इस वजह से बहुत सारे लोग यहाँ पर रुके हुए हैं और घोड़े को देख रहे हैं। मैं ये एक बात बोलना चाहूँगा गाइज, अगर आप में हिम्मत नहीं होती चलने की तो प्लीज़ आप केदारनाथ ना जाएं, लेकिन किसी भी बेजुबान जानवर को तकलीफ दे करके आप केदारनाथ जाएंगे तो आपकी यात्रा कभी भी सफल नहीं होगी और ये एक अच्छी बात भी नहीं है। बेचारे घोड़े और खच्चर को तकलीफ़ देकर आप केदारनाथ यात्रा कर रहे हैं तो ये एकदम सही नहीं है गाइस। हिम्मत नहीं है बिल्कुल हिम्मत जाइए, मैं तो यही बोलूँगा। देखिए कितना चोट लगा है उसको, कितनी तकलीफ़ हो रही होगी उसे भी, देखिए कैसा लग रहा है, कितना ज़्यादा खून निकल रहा है गाइस। मुझे तो बहुत ज़्यादा देख करके तकलीफ़ हो रही है, तो आप भी अगर एक अच्छे इंसान हैं तो आपको भी तकलीफ़ ज़रूर होगी क्योंकि आप भी तो इंसान है ना, आप भी तो एक जीव हैं, तो किसी को भी तकलीफ़ दे करके केदारनाथ ना जाए गाइस। बहुत तकलीफ़ हो रही है ये चीज़ देख कर, देखिए बेचारे का कितना ज़्यादा खून निकल रहा है। बस इतना ही बोलना चाहूँगा गाइस, हम लोग यहाँ पर छोटी जंगल चट्टी पहुँचे हुए हैं, मैगी पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है श्री केदार,
और यहाँ पर सबका रेट क्या क्या है यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। ये चाय कॉफ़ी काफ़ी ज़्यादा रेट में मिल रहा है, जो आपको नज़दीक से जाकर मैं दिखाया था। देखिए ऐसा ऐसा आपको रेट यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। आप चाहें तो यहाँ पर नाश्ता वगैरह करके आगे बढ़ सकते हैं, अदरवाइज़ आप जो भी रखें अपने खाने पीने की चीज़ें केला वगैरह खाकर आप आगे जा सकते हैं। चलिए तो अपने ब्लॉग में हम लोग आगे बढ़ते हैं। और ये कुछ भैया लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं खाने के लिए, देख सकते हैं। और बड़े भैया हाय बोल दीजिए। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ जगह जगह आपको फर्स्ट एड पोस्ट, इसके कहने का ये मतलब है कि आपको मेडिकल कैंप मिल जाएंगे, साथ ही पुलिस सहायता केंद्र भी लिखा हो, आपको पुलिस भी मिल जाएगा अगर कोई आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है तो। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हम लोग ऊपर की ओर चढ़े हैं, तो यहाँ पर ये जो है 50 रुपए की मिली है, आलू का बना हुआ है जो भी चीज़ है। और उसके बाद से फिर रामनारायण भाई तो खा रहे हैं। बताइए रामनारायण भाई, इसका टेस्ट आपको कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया टेस्ट है और खाने में बहुत ही मज़ा आ रहा है। मैं भी एक बार खाकर देखता हूँ, फिर आप लोगों को कन्फर्म करता हूँ कि है कैसा और कितना मज़ा आ रहा है इसमें। ठीक है, काफ़ी अच्छा टेस्ट है, 50 रुपये में कोई लॉस नहीं है। यहाँ ऊपर में काफ़ी बहुत सारी चीज़ें बहुत महंगी है, इस वजह से रेट के हिसाब से ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो आप ये ले सकते हैं जो हम लोगों ने लिया है। देखिए साथ में आपको सॉस भी मिल जाएगा, इस सॉस के साथ में आप इसे खा सकते हैं। और आप देख सकते हैं केदारनाथ 12 किलोमीटर, भीमबली 2 किलोमीटर, रुद्राफल लगभग 0.20 किलोमीटर, मतलब 200 मीटर लगभग समझिए। और साथ में आपको वाटरफॉल भी नज़र आ रहा हो, कितना खूबसूरत नज़ारा है। यहाँ पर भी एक जो हम लोग पीछे देखे थे उससे भी खूबसूरत नज़ारा यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। और ये नीचे देखिए किस तरीके से ये आगे की ओर बढ़ रहा है, तो नज़दीक से भी आपको हम लोग दर्शन कराएंगे। चलिए, पर कुछ आपको निर्देश दिए हुए जिन्हें आप अच्छे से फॉलो करें तो अच्छे से आप केदारनाथ यात्रा सफलतापूर्वक चल पाएंगे, ठीक है, और कर पाएंगे। तो यहाँ पर जो भी मैं वीडियोज़ में आपको बता रहा हूँ इसको आप पॉज करके भी देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या क्या है और किस तरीके से आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। तो इसको ध्यानपूर्वक आप पढ़ें। जो हम लोग दूर से देखे थे उसी को आप नज़दीक से देख रहे हैं। यहाँ पर लोग फोटो भी खिंचा रहे हैं, साथ में लोग नहा भी रहे हैं। देखिए वो भैया जो हैं नहा भी रहे हैं, किस तरीके से नहा रहे हैं। तो यहाँ पर सभी लोग फोटो भी खिंचा रहे हैं, वो भैया नहा रहे हैं। यहाँ पर कुछ लोग नहा भी चुके हैं और ये भी पानी ऊपर पहाड़ से आ रहा है, कितना अच्छा अद्भुत नज़ारा है गाइज। यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे हम लोग जन्नत में पहुँच चुके हैं। आप लोग देख सकते हैं कि ये पूरे बर्फ़ का पहाड़ है, ये सफ़ेद सफ़ेद कुछ और नहीं है, ये पूरा प्योर बर्फ़ का पहाड़ है। जहाँ ऊपर से बर्फ़ पिघल करके नीचे पानी बन करके गिर रहा होगा, आप लोग थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा काफ़ी। और यहाँ पर नीचे भी ये जो बर्फ़ है ये गया हुआ है। यहाँ पे काफ़ी दूर तक आपको देखने को मिलेगा, बादल भी आपको देखने को मिल जाएगा। ये देखिए यहाँ पर जो है ये काफ़ी बड़ा बर्फ़ का पहाड़ है, ऊपर से बर्फ़ आ रहा है, जो आकाश से मतलब आसमान से जो बर्फ़ गिरता है वो गिर गिर करके यहाँ पर जमा हुआ है। और यहाँ पर केदारनाथ रास्ते को जाने के लिए थोड़ा सा इसको साफ़ किया गया है गाइस। बीच में और हम लोग वीडियोज़ नहीं ले पाए थे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही थी, उस वजह से बीच में और वीडियोज़ हम लोग ले नहीं पाए बारिश की वजह से। तो डायरेक्ट यहाँ पर हम लोग आपको इस वीडियोज़ को दिखा रहे हैं गाइस, ताकि आप लोग इसका मनोरंजन ले सके और यात्रा आप भी अच्छे से कर सके, आपको केदारनाथ के बारे में पता चल सके। और आगे थोड़े से आगे जाने पर भी ऐसी बर्फ़ का एक और पहाड़ छोटा सा देखने को मिल जाता है, जो पानी बन करके आगे बहता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं वहाँ पर केदारनाथ मंदिर है, जो आपको चल करके जाना है, अब ज़्यादा दूर नहीं बचा हुआ है। ये देखिए इसी की बात कर रहा था मैं, ये देखिए किस तरीके से ये जो बर्फ़ है ये पानी बन करके आगे बह रहा है गाइस। देखिए कितना अद्भुत नज़ारा है, ऐसा लग रहा है सच में मैं जन्नत में आ चुका हूँ और काफ़ी ज़्यादा दिल को सुकून मिल रहा है गाइस। आप लोग भी एक बार केदारनाथ ज़रूर आएँ, लेकिन जब भी आएँ तो चल करके आएँ या तो फिर आप हेलीकॉप्टर बुक कर लें अगर आप नहीं चल पा रहे हैं। फाइनली हम लोग केदारनाथ पहुँच चुके हैं। ये देखिए केदारनाथ का जो मंदिर है आपको पीछे दिख रहा होगा, और बारिश बहुत ही ज़्यादा हो रही है। आज हम लोग का दूसरा दिन है, कल से हम लोग पहुँचे हुए, देखिए काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है, बहुत सारे फर्श यहाँ पर आपको देखने को नज़र आ जाएंगे और ये पहाड़ भी नजर आ जाएंगे। मैं आपको बैक कैमरे से दिखाता हूँ भाई, जो हम लोग पहुँचे बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है और बहुत मज़ा भी आ रहा है ना, और बहुत अच्छे तरीके से हम लोग का दर्शन भी हो गया है और हम लोग दर्शन कर चुके हैं। चलिए तो आप लोग को दर्शन कराते हैं हम लोग, जितना भी दर्शन हो सकता है, ठीक है। बैक कैमरे से मैं आप लोग को दिखाता हूँ गाइस, ये बैक कैमरे से मैं आप लोग दिखा रहा हूँ श्री केदारनाथ मंदिर। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि वो ऊपर में जो है बर्फ है और पूरा बर्फ का पहाड़ है। बर्फ देखिए कितना अच्छा लग रहा है, ये केदारनाथ जी का मंदिर है। और ये देखिए बर्फ पूरा आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर बहुत सारा बर्फ जमा हुआ है। इस साइड में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कितने सारे यात्री आए हैं, भक्तजन आए हैं, यहाँ पर बहुत सारे लोग आए हैं। आप लोग देखिए बहुत सारे भक्तजन यहाँ पर आए हुए हैं, ये केदारनाथ जी का मंदिर। और कहते हैं
कि केदारनाथ मंदिर वही पहुंच पाता है जिनका बुलावा आता है भोलेनाथ जी की तरफ से। तो हम लोग बुलावा आया था, हम लोग आ गए और बहुत अच्छा लग रहा है। सच में बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, यहाँ पर बारिश तो हो रही है, बहुत मज़ा भी आ रहा है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो आप लोग भी दर्शन कीजिए। श्रद्धालुओं की भीड़ काफ़ी ज़्यादा उमड़ गई है और यहाँ पर बारिश की वजह से क्या है, बहुत सारे श्रद्धालु नहीं आ पाए हैं जिसकी वजह से बारिश बहुत ज़्यादा हो रहा है। लेकिन हम लोग फिर भी भोलेनाथ जी की कृपा से यहाँ पर हम लोग आए हैं और जो है बहुत ज़्यादा यहाँ पे मज़ा आ रहा है। देखिए कितने सारे यहाँ पर यात्री हैं और रामनारायण भाई पता नहीं कहाँ चले गए, वो भी ब्लॉग बना रहे हैं लगता है, मुझे दिख नहीं रहे हैं, पता नहीं कहाँ है, रुके। कहते हैं गाइज यहाँ हर कोई नहीं आ पाता, जिनका बुलावा आता है वही आ पाते हैं और जिनकी मनोकामना पूर्ण होने वाली होती है और यहाँ पर वो आ जाते हैं। रामनारायण भाई इधर देखिए और बताइए अपना एक्सपीरियंस यहाँ पर का, कि यहाँ पर आपको आकर कैसा लग रहा है। जब भी आइए यहाँ एक बार घूम लीजिए, बहुत ही अच्छा नज़ारा है। देखिए जहाँ पहाड़ी पहाड़ है और ये भोलेनाथ की मंदिर है केदारनाथ, और पीछे देख सकते हैं आप पीछे के हिमालय पर्वत है हमारा। गाइज ये वही भीमशिला है जिसकी वजह से ये भोलेनाथ जी का जो मंदिर है वो बचा था, ठीक है, और इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा मान्यताएं हैं जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं और इनका दर्शन करना ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और ये देखिए और क्या क्या है, आप लोग देख सकते हैं जो भीमशिला है इसके सब लोग कैसे पूजा कर रहे हैं। और ये हमारे भोलेनाथ जी का मंदिर है, जो पीछे साइड केदारनाथ मंदिर है ये पीछे है। ये बाढ़ आई थी 2013 में, तब इसी प्रकार से इस भीमशिला की वजह से ये भोलेनाथ जी का मंदिर है जो डूबने से बच गया था गाइस। ठीक है, केदारनाथ मंदिर का फ्रंट साइड, जय श्री केदारनाथ जी। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए गाइस, जो लोग केदारनाथ जाना चाहते हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ होगी।